हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाली हूँ लोक रंजन एक्वा वर्ल्ड अंडर वाटर जू। तो ये मैसूर का अंडर वाटर जू है, फिश एक्वेरियम एक तरह से आप कह सकते हैं। आपको फोटो देख के ही दिख रहा होगा और ये बहुत सुंदर है। तो इस वीडियो में बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप खुद ही फिशेज़ देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि कितना सुंदर है ये पूरा। कार को पार्किंग में लगा दिया और कार की पार्किंग 30-40 रुपीज़ के अराउंड है। और ये देखिए अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बड़ा सा टीवी लगा है जिसमें दोनों तरफ से आपको दिखेगा अंदर के सारे जो स्पेसीज हैं। और ये बहुत ही जॉइंट फिश बनी हुई है बाहर। अंदर ये टिकट काउंटर की तरफ हम लोग आ गए हैं। सैटरडे यहाँ पे बहुत रश रहता है, हम भी वीकेंड ही आए थे तो रश था काफ़ी ज़्यादा था। 10 साल से ऊपर के लोगों के लिए 200 रुपये का टिकट है और 10 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए 150 रुपये का टिकट है। बहुत छोटे बच्चे फ्री हैं जैसे कि विशेष। और मछली के दाने मिलते हैं यहाँ पे खिलाने के लिए 50 रुपीज़ की। आपको वो एक प्लास्टिक की बॉटल देंगे तो उससे आप खिला सकते हैं दाने मछलियों को। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे ऐसे खुली मछलियाँ छोड़ी हैं जिनमें आप दाने डाल के उन्हें खिला सकते हो। तो अब हम इन्जॉय करते हैं इसको, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। अब आप देखिए पूरा वीडियो और इन्जॉय कीजिए। बिग वन इधर आ, बिग वन। इस एक्वा वर्ल्ड की मुझे एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे ना इन्होंने बनाया ही इस तरह से है कि पूरा फोटोजेनिक एरिया बनाया हुआ है। ये देखिए जैसा आप देख रहे हैं ना, और सब कुछ ओपन है पब्लिक के लिए, कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप हर जगह मछलियों को दाना खिला सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स बनाए फीडिंग स्पॉट्स फिशेज के लिए, और आप बैठ सकते हो आराम से। कहीं भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी या कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वहाँ इन्जॉय ना कर सके। हर एक चीज़ को पूरा ओपन रखा हुआ है पब्लिक के लिए, बहुत सुंदर से तरीके से बनाया हुआ है। अभी आगे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पे आराम से लोग बैठे हुए थे, इन्जॉय कर रहे थे पानी को, फिशेस को। तो ये चीज़ यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी थी। काफ़ी तरह के स्पेसीज देखने मिलेंगे आपको यहाँ पे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फिशेस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना अंदर, मतलब अंदर एक्वेरियम के अंदर भी पीने का पानी अवेलेबल है। वाटर बॉटल्स रखे हुए हैं जिससे आप पानी लेके पी सकते हैं। बाकी इनसे बाहर निकल के कैंटीन एरिया भी है जहाँ आप खा पी सकते हैं स्नैक्स आइटम। Yeah.
के पड़े रहते हैं। पीछे से कितने टाइप के मरून, वो जो पिंक ब्राउन, ये देखिए बड़ा स्टार फिश, वैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, पड़े रहते हैं। हो सकता है तुम मर गए हो। ये सब ये देखिए खिड़की पे चुके हैं। पीछे देखिए किस के पड़े हैं। मिल जाते हैं और इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।